हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T2X 5G फ़ोन है, तो वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऐप लॉक वगैरह है, तो ऐप लॉक वगैरह को आप कैसे सेट कर सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन में, और आप कैसे अपने फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को आप सेट कैसे कर सकते हैं और फ़ोन में ऐप लॉक कैसे लगा सकते हैं वीवो T2X 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि ऐप लॉक को सेट कैसे कर सकते हैं और ऐप लॉक कैसे लगाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही आपके फ़ोन में सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही जो भी आपकी फ़ोन की सेटिंग्स है आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको जाना होगा सिक्योरिटी सेटिंग्स पे, तो स्लाइड करते ही सिक्योरिटी सेटिंग्स से आपके फ़ोन में आ जाएगी, जहाँ से ऐप लॉक को आप सेट कर सकते हैं। ऐप प्राइवेसी एंड इंक्रिप्शन पे चले जाना और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालते ही इस पे जाकर जो भी ऐप लॉक आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, और इस तरीके से किसी भी ऐप्स में आप लॉक लगा सकते हैं और आपके फ़ोन के जो ऐप्स हैं उन पर लॉक लग जाएगा। जैसे हमने क्रोम ऐप्स है इस पर लॉक लगा दिया, तो लॉक सेट हो गया है। तो इस तरीके से भी ऐप लॉक को सेट कर सकते हैं, आप इस पे भी लॉक को लगा सकते हैं। अब जैसे ऐप लॉक को हमने सेट कर दिया, तो चाहे तो आप ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स पे जाना होगा, प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन पे जाकर पासवर्ड डाल लेना जो भी आपका पासवर्ड है, और इस पे जाते ही आप यहाँ से ऐप इंक्रिप्शन पे जाकर ऐप लॉक को अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इस पे टैप कर देंगे तो आपका ऐप लॉक है जो आपके फ़ोन में अनलॉक हो जाएगा, और किसी भी ऐप्स में आप लॉक शो नहीं करेगा क्योंकि हमने अनलॉक कर दिया है। तो इस तरीके से आप ऐप लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, आप सेट भी कर सकते हैं ऐप इंक्रिप्शन के ज़रिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। वीडियो